गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बाहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है गाइस, और कुछ दिन से ना तबीयत ठीक नहीं था तो रेगुलर जो मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो कल जो है ना हमारे नवरात्रि का लास्ट डे है, कल जो है हम कन्या को खिलाएंगे, इसलिए ज्योति के साथ आई हूँ मैं मार्केट। ये रही ज्योति, हाय करो ज्योति। तो ये देखिए कन्या को खिलाऊँगी ना, तो सामान लेने की आई हूँ। तो पहले ले लिया हमने चुन्नी, तो नौ कन्या को खिलाऊंगी तो नौ चुन्नी लिया है, और आगे जो भी लूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप गाइस ब्लॉग पे बने रहना। बच्चों के लिए मेकअप का सामान रख रहे थे हम गाइस यहाँ पे। वो ये हरबिन भी ठीक लग रही थे। तो आज है नेक्स्ट डे। कल जो है ना मार्केट से आने के बाद फिर वीडियो नहीं बना पाई गाइस, बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि कल हमारा फास्ट था और कल अष्टमी था। तो अष्टमी के लास्ट दिन हम फास्ट रखने के बाद जो है आज कन्या खिलाएंगे नौ दिन के दिन। तो कल सामान लेने गई थी तो सामान लेके आ गई थी, और आज जो है सुबह 6:30 बजे उठने के बाद काम में हम लोग बिजी है। रियान भी हाय बोलेगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कन्या खिलाने की क्या क्या तैयारी चल रही है। तो रियान उठ गया है सुबह सुबह, क्योंकि उसकी मम्मा उठ गई है, तो रियान भी उठ गया है। रियान फ्रेंड्स को क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग रियान, फ्रेंड्स की तरफ से, ठीक है? हाँ चलो भाई, भाई तो ऊपर है, सो रहा है भाई। और इधर देखिए मम्मी बैठी हुई है गाइस, देखिए यहाँ पे ज्योति बना रही है पूड़ी, और देखो फुले फुले पूड़ी गाइस। और यहाँ पे भी हमारे पतीले भर के पूड़ी है, और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे, तो इसके लिए ये सारा चीज़ जो हमने रेडी किया है। और हलवा बनाया गाइस, चना बस नहीं बनाया, क्योंकि चना बच्चे नहीं खाते हैं, हलवा और आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी के साथ खा लेते हैं। तो अभी मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। और ये देखिए गाइस हलवा, तो हलवा भी ये पतीला भर के बनाया मैंने, तो इसको ढक के रख देते हैं। मिट्टी के जैसे दिख रहा है गाइस, मिट्टी के जैसे हलवा दिख रहा है। अच्छा मिट्टी के जैसे दिख रहा है, हाँ हलवा ऐसे ही होता है। और ये देखिए मम्मी गाइस, हेलो बोलो मम्मी, हेलो मुँह के बड़ा मुँह के गुटका बड़ा। सो गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये देखिए आज मैंने ये वाला साड़ी पहना है, तो कैसी लग रही हो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सारे कन्याएं जो है आ गई है, अभी हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद जो है सारे कन्याओं को बिठा के खिलाएंगे। तो आप गाइस हमारे काबिज पप्पा जो लग रहा है हीरो, हेलो करो फ्रेंड्स को। अरे शर्म आ गया काबिज, काबिज हेलो करो फ्रेंड्स को। नहीं नहीं करोगे, हेलो कर दो मेरा बच्चा। अच्छा तुम्हारा जेटी कहाँ है? जेटी यहाँ पे। और काबिज पापा कहाँ है? ओ नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ो दोनों हाथ, हाँ नमस्ते। तो चलो काबिज चलो ऊपर चलो। नहीं नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, जाओगे आ जाओ फिर जेदी के पास आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, दौड़ के आ जाओ मतलब बच्चा। काबिज देखो गाइस आज पीला कलर का ये टी शर्ट पहना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टी शर्ट। हाँ रख दो बोल रहे, रख दो जेठी रख दो। हाँ चलते बाय बोलो, बाय बोलो फिर बाबा। सो मैं आ गई हूँ गाइस मंदिर में। तो अभी देखिए मैं मंदिर में जो है पूजा करूँगी, उसके लिए मंदिर को साफ कर रही हूँ, और दिया जो है अच्छे से साफ करके उसमें दियावाती लगाऊंगी। और पीछे से खड़े होके रियान देख रहा था कि मम्मा कैसे पूजा कर रही है, और मैं यहाँ पे गंगा जल का छींटा लगा रही हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है बाहर से आए हैं इसलिए। और मैं यहाँ पे खुशबू को बोल रही हूँ कि ये जेव दिखाए, जेव का घास ना बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही सुंदर हुआ था गाइस। और कहते भी है कि जेव अगर बहुत अच्छे हुए ना तो घर के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है, घर की तरक्की होता है।
तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जो हमारे बहुत बड़े बड़े हो गए थे और सारे बच्चे आप सभी को हाय बोले हैं, तो आप लोग भी हेलो बोलना गाइस। और अभी जो है मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। ज्योति जो है एक प्लेट में प्रसाद लगा के लेके आई है। जो भी हमने आज प्रसाद के तौर में कुछ भी बनाया है वो भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद पूजा करने के बाद सारे बच्चे को खिलाएंगे। आओ की गाय जा देखिए मैं आयु रियान के साथ। रियान यहाँ पे अकेला है ना, तो मैं रियान को अकेला नहीं छोड़ती। ये बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसके पास आई हूँ। बेचारा गुस्सा हो गया है, क्या हुआ रियान? जब मैं इसे बात नहीं सुन रहे। देखो रियान पता है क्यों गुस्सा है? इतनी सारी लड़कियां आई है ना, तो कोई इसकी बात नहीं सुन रहा इसलिए रियान गुस्सा है। रियान आप लोगों को पता नहीं है लेकिन रियान ना बहुत ही जेको है, जेको बहुत ही जेलस फील करता है, अपने छोटे भाई से भी जेलस फील करता है ना रियान। रियान मैं आपके साथ रहती हूँ ना, हमेशा आपके पास रहती हूँ ना। हाँ कौन बोल रहा था? मम्मा। तुम्ही गाओ ना, तुम्ही आता भालो गाच्छो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो चलो बस सेवा करो है तो कन्या दुर्गा लक्ष्मी। ओ बाबा गो करो नाम ओ हीरो हीरो येलो येलो पहन के तो चमक गए आज। आज तो काविश पूरा चमक गया येलो येलो पहन के। अम्मी हेलो एक टका नहीं आशी खुला पूरे पैसे। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ पैसे खुले करने के लिए क्योंकि कन्या को दूंगी इसलिए। बोलो ना तुम की चादर कौन कौन पाई ली है? कौन कौन चादर पाई दी हो? कौन चादर की एड उठा दो नीचे सामान ला। किन्हें रात के ना होती मैंने बात नहीं सुन रहे। आप बताओ अभी सभी कन्याओं को खिलाना है ना, तो सबसे आशीर्वाद लेना है। अभी माता है उनके ऊपर, सोचो कि वो माता है आपके साथ के बच्चे नहीं है। नहीं चलो आओ नहीं आऊंगा। चलो चलो मेरे बच्चा चलो आओ खुशबू। नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? एक गिलास का पार्टी कर लो। क्या मैं एक गिलास बैठ जा। एक उसे बैठ जा ना। हवे ना। देखिए गाइस सारे कन्याएं जो है बैठ गए हैं, अब जो है हम पूजा करेंगे। तो जितने भी कन्याएं हैं ना, नौ कन्याएं के लिए हमने जो है हेयरबिन लिया था और नौ कन्याएं के लिए हमने चुन्नी लिया था माता रानी का। तो पहले हेयरबिन सबको पहनाया, फिर जो है मैंने चुन्नी चढ़ाया, ज्योति ने फिर आरती किया है, फिर इन सबको हम प्रसाद देंगे खाने के लिए। तो हमारी जो पूजा है ना बहुत ही अच्छे से हुआ है और मन को इतनी अच्छा लगा ना, मतलब मन में एक आनंद ही अलग हो रहा था और खुशी अलग मिल रही थी पूजा करने के बाद। और पूरा पूजा भी थी आपके साथ हमने तो शेयर ही किया है। और हमारे घर में जगह कम है तो इसलिए कुछ कन्या को हमने नीचे बिठाया और कुछ कन्या को हमने बेड पे बिठाया है। अब जगह कम होने की वजह से ऐसे ही हमें करना पड़ रहा था,
क्या कर सकते हैं, खुला बड़ा बड़ा घर नहीं है, क्योंकि शहर में दिल्ली में बड़ा बड़ा घर तो कहीं नहीं मिलेगा गाइस। तो जब अपना घर होगा, सभी का अपना अपना, उस दिन आप देखोगे सब कुछ अच्छे से ही होगा। तो भगवान अगर चाहेंगे, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर होगा गाइस। तो शादी के बाद ना गाइस मेरा एक ड्रीम बन गया है कि मेरा बहुत ही सुंदर सा एक घर हो, और वो पता नहीं भगवान कब पूरा करेंगे। और शादी के बाद ना धीरे धीरे जिम्मेदारी भी बढ़ते जाता है, बच्चा हो जाता है तो बच्चे की इतनी सारी जिम्मेदारी हो जाती है ना कि आप आगे का कुछ सोच ही नहीं सकते। कि अगर बच्चे को आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया तो स्कूल की पढ़ाई में इतना पैसा लग जाता है कि आप अलग से कुछ कर ही नहीं सकते। तो माता रानी के आशीर्वाद होगा तो जल्दी होगा गाइस। आप भी हमारे साथ रहना, सपोर्ट करना, कभी ना कभी तो एक सुंदर सा घर होगा। और ये देखिए कन्याओं को टाइट हो रहा है नंदिनी, और ये देखिए रियान और खुशबू और ज्योति बांट रही है प्रसाद। अच्छा, जो है हमारी माता है सबसे छोटी है यहाँ पे। हाँ, जितनी भी कन्याएं हैं इनमें से तो आप छोटी हो, आप नित्या हो। मैं तो इतनी बड़ी हूँ। अच्छा, आप दो तीन बड़ी हो। ओ, आप तो सबसे बड़े हो। मैं क्या हूँ? मम्मी नहीं। आप भोले बाबा हो। हमारी सबसे बड़ी माता जो बैठी है प्रसाद लेके। दक्षिणा आपको भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। नहीं, आप भी चिज्जी खाना, फिर माता तो फिर दक्षिणा लेके चिज्जी खाने जाते हैं ना। काबिश देखो बेइज्जती कर रही है। और काबिश ने देखो एक पत्तल भी तोड़ दिया, कह रहे मुझे नहीं दे रहे हो, पत्तल ही तोड़ देता हूँ मैं। और माता है, प्रसाद कैसा लगा खाने में? अच्छा बना? सब्जी कैसा बना? गाइस तो खुशबू को देखिए दे दिया है प्रसाद, तो मैंने कहा कि खुशबू एक बाइट तो दे दो खाने के लिए। सारे कन्याओं को खिला दिया है, अब मैं एक बाइट लेके फिर बताऊंगी कैसा बना है प्रसाद। प्रसाद तो हमेशा गाइस टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी लग रहा है। तो सुबह से फास्ट थी, अभी तोड़ी हूँ मैं। देखिए ज्योति अभी जो है प्रसाद लेगी गाइस। अब प्रसाद खा के बताओ ज्योति कैसा बना है। काबिश को भी खिला दो। मस्त प्रसाद तो टेस्टी लगता ही है। तो मैंने भी एक बाइट लिया ना गाइस, सच में बहुत ही टेस्टी था। आप लोग भी ले लीजिए गाइस प्रसाद। पापा चप्पल नीचे रखो, खाना को भी दिखा दो वगैरह। सो गाइस तो कन्याओं को खिला दिया है, सब जो अपने अपने घर गए, बहुत खुश हो गए कन्या, क्योंकि मैंने भी 11 रुपए दिया और ज्योति ने भी 11 रुपए दिया, तो इसलिए बच्चे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और अभी ना खाना वाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, तो अभी आया है पानी, तो ऊपर छत पर जा रही हूँ मैं टेंकी देखने के लिए। तो ऊपर आई हूँ ना, थक गई हूँ मैं गाइस। और हमारा घर जो है ना ऊपर नीचे ऐसे ही करते रहना पड़ता है, और इसलिए जो है ना थक जाती हूँ।